पाकिस्तान जागो। वो सख्त से सख्त मुश्किल का सामना कर सकती है, मुकाबला कर सकती है, जीत सकती है, क्योंकि वो एक सांस है। अगर आप समझते हैं कि आपकी सांस है सबसे कमाल, तो खतरों के इस खेल का हिस्सा बन जाइए। अपना और अपनी सांस का नाम इस खास मुकाबले में रजिस्टर करवाइए jpg@hum.tv पर ईमेल करके, या फिर आप हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे भी जा सकते हैं जिसका नाम है jpg ऑफिशियल। मैं आपकी एंट्रीज का इंतजार कर रही हूँ। ये कुछ शौहर है जिन्होंने हमसे इजहार ये किया है मुझसे कि डॉक्टर साहब हम तंग आ चुके हैं, हमारी बीवी ने ऐसा खौफ डाला है कि हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल फंस के रह गई है। तो आप चाहते हैं सारे के सारे कि बीवी के रोब दबदबे से बाहर निकले, ये चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं, ठीक है। जुल्म तो नहीं करेंगे इसके आज के बाद अपनी बीवी पे? अगर मैं आपको कोई ताकत दे दूं, कोई हिम्मत दे दूं, जुल्म तो नहीं करेंगे? नहीं, वो जो हुआ वो हुआ, सबर करे, वो जो हुआ वो हुआ, माफ कर लें। आज से आप उन पे जुल्म नहीं करेंगे, मगर आप डरेंगे नहीं अब उनसे, डॉक्टर? बिल्कुल नहीं डरेंगे, यकीन जाना। ये जब वक्फे पे गई है मुझे वहां से बोल रही है कि तुम मेरे बारे में तारीफ तो करो, तारीफ करो कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। मैंने कहा हाँ नमाज पढ़ती हूँ। एक बार नमाज पढ़ रही, दुआ मांगे बगैर हाथ उठाए और दुआ मांगी ही नहीं और हाथ छोड़ दिए। मैंने कहा ये क्या किया तुमने, दुआ क्यों नहीं मांगी? कहती मैं अल्लाह पाक से दुआ करना चाहती थी कि तुम्हारी मुसीबत टल जाए, फिर ये सोच के खामोश होगी कहीं मैं ही ना मर जाऊं। वाह वाह, चले जी, तैयार है आप लोग? बिल्कुल जी। एक बड़ा मशहूर जुमला है, मैं नहीं मानता, सुना है? ये नज़म है, मैं नहीं मानता, सुना? टीवी भी अक्सर सुनाएगी ना। तो आपने ये जुमला बोलते जाना है मुतवातिर। सबसे पहले तसव्वुर कीजिएगा आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए वो वक्त कि जब आप सिंगल थे, बैचलर थे, कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी, ठीक है? कैसा वक्त था वो? जिंदगी आजाद, जब चाहे घर पे आए, कोई पूछने वाला नहीं। उस वक्त को याद कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त को जब आप याद करेंगे तो आपके अंदर एक खास किस्म की ताकत आती है, क्योंकि उस वक्त दुनिया आपके हाथों में थी। आज आप अपनी बीवी के हाथों में, दोनों में फर्क है, ठीक है? तो उस वक्त को याद कीजिएगा आंखें बंद करके, फिर मैं कहूंगा कि अब स्टार्ट करें तो आप दोनों हाथ इस तरह करेंगे, मैं नहीं मानता, मैं इस तरह चलते हुए वहां तक जाएंगे, मैं भी नहीं, नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, ठंडी ठंडी सांस, मैं भी नहीं मानता। आप ख्याल रखें मेरी तरफ क्यों कर रहे, आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। चले जी शुरू करते हैं, ठीक है? आंखें बंद, ये मुझे दे दीजिए और जोर जोर से बोलना है और ऐसे चलना है जैसे गोरिल्ला चलता है। मैं नहीं मानता, नहीं खबरदार, खबरदार नहीं बोलना, मैं आपको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, इस उम्र में नहीं करते। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, दो तीन, वो वक्त याद करें, आंखें बंद करें। कौन सा वक्त याद? वो वक्त याद करें जब बिल्कुल आजाद थे, जब सेहरा बांध के आए। नहीं नहीं, उससे पहले की बात, उसके बाद तो फंस गए। तसव्वुर करें, याद है वो वक्त क्या करते थे आप उस वक्त? आप आवाज में दम नहीं है, आजादी से घूमते घूमते थे आप? आजादी से घूमते आप? बहुत आसानियां थी, बहुत मजे थे, मौज, ये बात है। और अब तो फंस गए। हाँ ये बताइए, आप बताइए। बीवी जो है सारा दिन काम में लगा के रखती है, जॉब पे जाते हैं, जॉब से वापस आते हैं, बोलती है पानी भर दो, बच्चे को खिला दो, झूला झुला दो। और डॉक्टर साहब मर्द की किस्मत में यही है, इतना सो जाओ, बदतमीज आती है, बीवी से लड़ता होगा। बीवी सारा दिन टीवी देखती रहती है, सुबह जब मैं उठता हूँ काम के लिए, सारे क्या हो गया, थोड़ा सा नाश्ता ही बना है, चाय तो बनानी है। और मैं बोलता हूँ नहीं नहीं चाय आपकी जिम्मेदारी, आप चाय बना के दे, तो ऐसे देखती है। कैसे? फिर से ऐसे देखती है। मैं भी करूँगा, मर जाओगे तो मेरे हाथ को जाना पड़ता है ना चाय बनाने, डबल रोटी वगैरह। मैं बोलता हूँ कोई पराठा तो बना दो, पराठा जाइए जाइए, डबल रोटी लेकर आइए, डबल रोटी लेकर आइए। अपनी अम्मी को पराठा चला जाता हूँ, कटखने
शुगर ये बहुत आसानी थी, बहुत परेशानी, कोई परेशानी नहीं नहीं थी ना। अब इनको मैं जल्दी से काम करवा दूं, फिर आप बात इनको काम करवा दूं, आंखें बंद कीजिए, गहरा सांस ले। मर्द की तो किस्मत में यही है, पैदा होता है तो माँ कहती कहाँ गया था क्यों गया था, दूसरों का बड़ा होता है तो शौहर कहता है, बीवी कहती है शौहर को कहाँ गया था क्यों गया था कितने बजे आया, इनके तो नसीब। अच्छा मैं वहाँ चला जाऊं, फायदा इलाज करने का, मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊं, आई 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 चले अगर अगर वहाँ गए डॉक्टर साहब से इलाज करें नहीं मानता याद है, ऊंचे ऊंची आवाज में बोलते हुए यहाँ से वहां तक जाएंगे, मैं नहीं मानता, चले स्टार्ट खुली आंख से, मैं नहीं मानता, आइए मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वापिस एक जगह आइए, मैं नहीं मानता, वापिस आओ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, नहीं मानता, इनको देखे इनकी आंखों में बड़ी चमक है, ताकत आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा जोश जज्बा और हिम्मत आ गई मेरे देखेंगे। जी आप क्या कैसा महसूस करते हैं, क्या कहने ही तो औरतों के कपड़े सीसी के कैसे हो गए, सारे दिन औरतें देखते रहे, सुकून मिला आपको, अब टेंशन दूर हो गई, टेंशन दूर हो गई तो ठीक है आपकी, मेरी भी टेंशन दूर हो गई, टेंशन तो वहाँ बैठी हुई है, नहीं दूर हो गई। ये जो एक्टिविटी है अभी करवाई गई है बहुत अच्छी करवाई गई है, मैं अपने मोहल्ले में जाके और जो मुख्तलिफ शोहरे हैं उनको भी चले ये जो टिप्स है मैं खुद अपने दोस्तों को कहूंगा घर जाके कि भाई ये दिन में रात में जब हम बैठते हैं बाहर जाके क्या करें कि मैं नहीं मानता, थकन दूर, एक दोस्त रहमान बीवी से डरता है, ठीक है खता और रहमान आपके लिए कह रहे हैं आप बेइंतहा अपनी बीवी से बेइंतहा डरता है, वो जब वो आता है ना तक है तो बच्ची वहाँ से बाहर आता है बच्ची को लेकर आता है बच्ची ताकि जब वापसी जाए तो ये कह सके बच्ची ने टाइम लगा दिया, उसको मैं कहूंगा जब बच्ची को लेकर आएगा तो कम से कम ये जरूर बोलता हुआ आएगा मैं नहीं मानता। एक चीज में बता दूं तमाम शोहरों के लिए जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको एक्टिविटी दवाई दी है ये सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले दो दफा इस्तेमाल कर ले, आप देखें कितनी बड़ी तब्दीली आएगी घर में, कैसा महसूस कर रहे हैं, ज़हनी सुकून महसूस कर रहे हैं, ज़हनी सुकून महसूस कर रहे हैं ये, और मैं भी अपने दोस्तों परेशानी थी ने। और मैं भी अपने दोस्तों को ये बताऊंगा मैं नहीं मानता, क्या आप नहीं मानते तोड़ो इसको, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये धरना समझ लीजिए, मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी घरों में आएगी, कैसे डॉक्टर अब क्या बीवियों के खिलाफ भी धरना देना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा क्या फायदा, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई और जुल्म शुरू हो जाए, चले पूछते बीवियों से नहीं होगा, नहीं अभी तो खाना नहीं मिलेगा, सुने हाँ क्या नहीं होगा धरना कामयाब, खाना नहीं मिलेगा ना टाइम पर, बिल्कुल नहीं मिलेगा भले कितना भी कहते जाएं शोर मचाते जाएं ना टाइम पे, देख लो लड़के रो रहे बचपन में, खुश नहीं रह सकते बीवियों से पंगा लेके, खुश नहीं रह सकते, और कौन कह रहा जी अभी तो 3 घंटे बाहर बैठते हैं, फिर 24 घंटे बाहर बैठते हैं। चले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद यहाँ कठेरा लगेगा, एक तरफ बीवियाँ तो एक तरफ सारे शोहर, देखते हैं कौन कौन सी मुसीबतें इनके सामने आएंगी और जज कौन है हमारे डॉक्टर साहब जो है ना, ये आज देखिएगा अभी क्या होता है, देखते हैं कि जजमेंट किसके फेवर में पास होती है, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो।